Oh, you're not my survivor. Yes. नमस्कार अमरीदनो, आप देख रहे हैं सूटी पार्ट सलाब से का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आप सब फाइनली BHU के स्टूडेंट हो चुके हो। आप सभी लोग ये बोल सकते हो कि हाँ, हम BHU से ही हैं, मतलब आपका एडमिशन हो गया। अब एडमिशन हो गया तो कुछ रूल्स हमें जाननी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें समझ लेनी चाहिए जो कि आपके पूरे इस आने वाले 2 ईयर्स के सेशन में काम आने वाला है। तो पहला तो आज ये, और आगे बहुत सारे वीडियो जो मैं डिस्कस करूंगा। और सबसे अच्छी बात बताऊं, BHU के सेमेस्टर्स पेपर और सेमेस्टर्स पेपर के जो राइटिंग है, इस पे वीडियो पूरे यूट्यूब पे मैंने ही बस बनाया है। अगर आप सर्च भी करोगे ना तो मेरा पक्का है वो वीडियो टॉप पे आ जाएगा। और ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे उस वीडियो को देख के बेसिकली अपना सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में वो काम आए चाहे ना आए, क्योंकि वो बेसिकली वहां पे साइंस का सब्जेक्ट है। लेकिन बाकी ह्यूमैनिटीज वाले बैकग्राउंड के बच्चों के लिए वो वीडियो बहुत ज्यादा कारगर है। लेकिन फिर भी हर कोई इस वीडियो को जरूर देख ले एक बार। खैर, वो मैंने यूजी लेवल पे बनाया था, मतलब जो उसका पैटर्न है वो मैं यूजी को फॉलो करके बनाया हूँ। लेकिन उससे आइडिया हर किसी को मिलेगा कि बेसिकली BHU के जो कॉपी राइटिंग है वो किस तरीके से की जानी चाहिए। और ये जानना बेहद जरूरी पता है क्यों हो जाता है, क्योंकि आप अगर ये चीजें जानते हो तो बेसिकली अब आप यहाँ पे आ गए, गोल्ड मेडल भी आप ले सकते हो, गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हो, अगर आप स्टार्टिंग से ही अपना एक मेंटेलिटी बना लो। जैसे कि मैं अपने क्लास में टॉप में रहा, लास्ट टाइम पे मेरे मार्क्स 20 समथिंग में मेरे मेडल लीड रहे थे, जो कि मुझे स्टार्टिंग से अगर पता होता कि मैं बस इतने नंबर से डिफरेंस पे आऊंगा तो शायद मैं मेडलिस्ट हो जाता। तो मतलब समझ रहा, मतलब बस 20, किसी भी एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स लाया जा सकता था, कुछ और भी इंटरनल मामले थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपके सामने इस तरीके की बातें रख देता हूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आप लोगों में जो कि चाहते हैं कि हाँ, हम क्यों ना स्टार्टिंग से ही अच्छा प्लानिंग कर ले। भाई, जब मैं कन्वोकेशन में होता हूँ और वहां पे बच्चों से मिलता हूँ और उनका जब रिपोर्टिंग करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, बड़ा ही मजा आता है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि फाइनली उन्हें BHU से कई सारे मेडल मिल रहे हैं, कई सारे उन्हें स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, मजा आता है ये सब चीजें। तो प्लीज, आप सभी को मैं पहले से ही वीडियो बना के वार्न कर रहा हूँ कि आप लोग इस तरीके की चीजें जरूर माइंड अपना एक माइंड सेट बना लो कि आपको BHU में मिल गया है तो BHU में किस तरीके से आगे पढ़ाई करनी है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि जो वीडियो का मेन मुद्दा है वो ये है कि BHU में अब छात्रों की होगी ऑनलाइन अटेंडेंस। आप जो BHU में एडमिशन लिए हो, ये बेसिकली रेगुलर क्लासेस होती है, यानी कि ये एडमिशन को बोला जाता है रेगुलर एडमिशन। एक होता है प्राइवेट एडमिशन, जहां पे आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो, वहां पे पर डे यानी एवरी डे आपको क्लास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर BHU में पढ़ रहे हो, RGS, MMB या BHU के किसी भी अफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लिए हो, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिए हो, तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि वो आपका रेगुलर क्लास वाला बेसिकली यूनिवर्सिटी है, वहां आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। और चूंकि जब आपको जाके पढ़ना है तो आपके अटेंडेंस कितने होने चाहिए, 70% मस्ट है। ये यूनिवर्सिटी वाइज रूल्स पे चलता है, लेकिन UGC का भी अपना गाइडलाइन है कि 70% अगर आपका अटेंडेंस है, BHU का यूनिवर्सिटी यही कहता है कि अगर आपका 70% अटेंडेंस है तो आपको एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा सेमेस्टर एग्जाम का। अगर आप 70% से नीचे हो तो आपको मेडिकल लगाना पड़ेगा या आपको एक देना पड़ेगा कारण कि आप इस वजह से आपके अटेंडेंस शॉर्ट हो गए। कभी कभी बच्चे एग्जाम में नहीं भी बैठ पाते, BHU के लॉ फैकल्टी का बहुत कहानी है, तो एडमिट कार्ड नहीं मिलता इजिली। और ऐसे में जब ऑनलाइन अटेंडेंस की बात की जा रही हो तो बच्चों के पास अब एक माइंड पे प्रेशर आ रहा होगा, जिन्होंने ऐसे ही एडमिशन ले लिया कि चलो BHU का नाम मिल जाएगा और हम तो कुछ भी अपनी तैयारी करने के लिए आगे बैठे रहेंगे। लेकिन नहीं, अब ऑनलाइन अटेंडेंस होने जा रहा है और इसी 24-25 सेशन के बच्चों के लिए होने जा रहा है, आने वाले सेशन के लिए बच्चों के होने जा रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि न्यूज क्या कहता है। मैं आपको एक लाइन पढ़ के बताता हूँ, समझने की कोशिश करो कि बेसिकली आर्टिकल कब का है, तो ये आर्टिकल में पूरा सब कुछ क्या है। ठीक है, BHU में अब छात्रों की होगी ऑनलाइन अटेंडेंस, पहली बार किसी विश्वविद्यालय में ऐसा होने जा रहा है। यहाँ पे सेकंड लाइन लिखा हुआ है जो कि मुझे लगता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बायोमेट्रिक बहुत पहले से है और मुझे लग रहा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बहुत पहले से है। ये लाइन लिखने का एक कारण हो सकता है कि इतने मास ग्रुप में ये चीज पहली बार होने जा रहा था, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, तो पहली बार वर्ड इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये BHU के यहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर का न्यूज है, हिंदुस्तान का, ठीक है, और ये इसी वीक का न्यूज है। आर्टिकल ये कहता है BHU में छात्र छात्राओं की अब ऑनलाइन हाजिरी होगी, यानी अटेंडेंस ऑनलाइन ही होगा। विश्वविद्यालय के आंतरिक सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन पर विद्यार्थियों के लिए लिव
मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है। इस व्यवस्था के तहत हर सप्ताह छात्र छात्राओं की अटेंडेंस अपडेट की जाएगी, हर सप्ताह यानी वीकेंड में 50,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ऊंचे शिक्षण संस्थान में पहली बार ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था हो रही होगी। जो मैं पहले आपको बताया कि 50,000 बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे। अब तक कक्षाओं में शिक्षक रजिस्टर अथवा सादे पेज लेके जाते थे और उसी पर अटेंडेंस लगा के रोल नंबर के अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग अटेंडेंस सबमिट कर देते थे। लेकिन अब 24-25 में पहली बार ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत शिक्षक कक्षाओं में ऑनलाइन हाजिरी भरेंगे, हर सप्ताह हाजिरी अपडेट की जाएगी और छात्रों के अटेंडेंस का ब्यौरा उनके मोबाइल ऐप और रजिस्टर्ड ईमेल पर पहुंचाया जाएगा। यानी बच्चों को ही पता चलेगा कि आपका अटेंडेंस कितना है, कैसे है, जो आपने ईमेल आईडी दिया हुआ है। हो सकता है आगे चल के आपके पोर्टल पे ही उसका एक आइकन बना दे लोग। बीएचयू के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर एनके मिश्रा ने बताया कि नए सत्र में इस सिस्टम को लागू करने के पीछे छात्राओं कक्षाओं को नियमित करने के साथ साथ छात्राओं के अटेंडेंस को होने वाली गड़बड़ियों को सुधारने की मंशा से किया गया है। उन्होंने बताया इस जो सिस्टम है मैं शिक्षकों के लिए इतनी छूट दी गई है कि वो सप्ताह भर के छात्रों का अटेंडेंस सातवें दिन सबमिट कर सकते हैं। यानी 7 दिन तक अटेंडेंस टीचर के पास होगा, फिर वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कहाँ से, एफिलेटेड कॉलेज से। तो यहाँ पे साफ सुथरा लिखा गया है कि अभी ये मुख्य परिसर और साथ ही साथ RGS यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस मिर्जापुर जो है, इन दोनों के लिए अप्लीकेबल है। बाकी के जो यहाँ एफिलेटेड कॉलेजेस हैं इनमें आने वाले कुछ महीनों में इस चीज को लागू किया जा सकता है। लेकिन ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये BHU में कब लागू होगा। सत्र यही है, ज्यादा समय बचा नहीं इस साल को बीतने में, तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 महीनों में ऐसा हो सकता है कि इसको लागू किया जाए। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये सिस्टम कैसे लागू होना चाहिए। अगर इनकी मंशा, यानी इनके जो मेन उद्देश्य दो हैं, गड़बड़ियों को और क्लासेस को नियमित करना और गड़बड़ियों को दूर करना, तो ये बहुत अच्छी मंशा है अगर इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा और वो ये है कि हमारी कक्षाएं अगर अच्छे से चले, हमारे शिक्षक अगर क्लास में आके प्रतिदिन क्लासेस लेने लगे, तो लगभग 90% सुधार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी बच्चे घर नहीं बैठेंगे, हॉस्टल नहीं बैठेंगे, किसी रूम लॉज में नहीं बैठेंगे, ये ऑटोमेटिकली अपने क्लास तक चल के आएंगे कि अपनी क्लासेज हमें लेनी चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारे जो टाइम टेबल उस तरीके से फ्रेम कर दिए जाते हैं, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो इतने गैप मार देते हैं अपने क्लासेज में बेसिकली, कि बच्चा खुद ही सुस्त हो जाता है, लेजी हो जाता है, छोड़ो जाने तो बाद में कर लेंगे, इस तरीके की मेंटेलिटी बन जाती है। मैं चाहूंगा कि ये सुधार इस तरीके से अब हो जाए कि जो टीचर्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली अपनी क्लासेज अप टू डेट लेने लगे, टाइम टू टाइम लेने लगे, कि बच्चे भी क्लास में पहुंचे। तो अच्छा है मुहिम, अच्छे उद्देश्य बनाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें सफल हो और आप अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा और बहुत सारे बच्चे इस मेंटेलिटी से भी कुछ अफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लिए कि वो अभी एडमिशन ले लेंगे, बाद में अपना कुछ जॉब साइड में या कुछ अपने प्रिपरेशन की वजह से सोच रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक समस्या भी क्रिएट हो सकता है। एक बात और बताना चाहूंगा, अभी आप लोग के डिग्री में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप लोग ये आर्टिकल पढ़े कि नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर लूंगा। बहुत सारे बच्चे एफिलेटेड में पढ़ते हैं तो उनको डाउट रहता है कि हमारी जो डिग्री है बेसिकली वो BHU का नाम होगा कि नहीं उसमें होगा, या उसमें एफिलेटेड का नाम होगा क्या, उसका जो वेटेज है यानी दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है क्या, है कैसे है, तो ये तमाम चीजें भी एक नए पूरे डिसीजन के थ्रू आया हुआ है, न्यूज में भी छपा था, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताना कि आप चाहते हो कि नहीं। इसी वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ यूजी एंड पीजी एंड PhD की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चा एनरोलमेंट कराना चाहता है डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, किसी को टी शर्ट वगैरह प्रिंट कराना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लीज आप जो भी चीजें हैं, अलग अलग बहुत लोग हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में रिटेन रहता है, आप उनको बेसिकली कॉन्टेक्ट करो, वो आपको बता देंगे कैसे कैसे वो लोग फाइनली अपना जो टी शर्ट प्रिंटिंग का काम है करते हैं। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, बहुत शुभकामनाएं, हर हर महादेव।